गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उपासना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप अपनी वैनिटी हमें दिखाइए, तो मैंने सोचा कि यस आई हैव टू मेक वीडियो अबाउट माय वैनिटी। तो आई हैव टू वैनिटी गाइस, तो मैं आपको वो वैनिटी दिखाऊंगी जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ डे टू डे लाइफ में और जो ज़्यादा मतलब मेरे बेडरूम से बिल्कुल अटैच है, वो मैं आपको अपनी वैनिटी दिखाऊंगी। तो टुडेज वीडियो इज माय वैनिटी टू, सो लेट्स गो। सो गाइस दिस इज़ अ डोर और ये मेरी रूम की ओर जाता है। दिस इज़ माय रूम और ये मेरे रूम का डोर है और जस्ट सामने है मेरी वैनिटी। तो धीरे धीरे अपनी वैनिटी को मैं दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम। ओहो, सो हियर इज माय वैनिटी। एज यू कैन सी नाउ मैंने अपना डोर जो है लॉक किया और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वैनिटी। सो हियर इज माय वैनिटी। साइड से पूरा दिखाती हूँ। ये पूरा मिरर है इधर एंड ये एक पोर्शन है एंड दिस इज अनदर पोर्शन एंड नीचे पूरे ड्रॉर्स हैं, पूरी रैक्स एंड ड्रॉर्स, पूरी अलमीरा अच्छी खासी। सो दिस इज माय होल वैनिटी एंड ये देख रहे हैं आप, इधर भी पूरा मिरर है और पूरा सामने कितना ज़्यादा बड़ा मिरर है एंड आई एम सो मच हैप्पी। और ये पूरी इतनी बड़ी लाइट है, बिकॉज वैनिटी में लाइट ना हो तो बिल्कुल ही बेकार लगता है। लाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। दिस इज़ द अलमीरा, इसके पीछे ये पूरी अलमीरा है एंड यहाँ पर हमारी डेली यूज़ की चीज़ें नहीं हैं, जो हम लोग डेली यूज़ में नहीं करते वो सारी चीज़ें ऊपर वैनिटी पर है। सो एवरीवन, वैनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले अपने वॉश बेसिन में ही आते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं एंड देन उसके बाद ब्रश करते हैं। एंड यू नो वॉट, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें रेडी होने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम बिल्कुल काम और बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो और हमें बिल्कुल अच्छा लगे। सो गाइज, वैनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट डजेंट मैटर कि आपकी कैसी भी वैनिटी हो, अगर वो छोटी भी है तो भी चलेगा। बस द थिंग इज दैट आप उसको अच्छे से रखिए, अच्छे से उसको डेकोरेट करिए एंड इट्स डिपेंड ऑन यू आप उसको किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी वैनिटी जो है डेकोरेट करी है और वही चीज़ें रखी है जो कि मुझे लगता है कि हाँ हम लोगों को ज़रूरत है और सुबह उठने के बाद हमें उसकी नेसेसरी यूज़ होती है। सो गाइज मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर ज़रूरत वाली चीज़ें क्या रखी हैं। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स जब हम लोग नहाकर आते हैं। तो दिस इज़ द बॉडी लोशन जो हम लोग लगाते हैं एंड एज यू नो कि हमें ब्रश वगैरह के लिए ब्रश वगैरह करते हैं जब सुबह उठते हैं। तो ये देखिए कि कितना ज़्यादा यूनिक मैंने इसका जो बेस है ब्रश रखने का वो दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। तो मैंने इसको चूज़ किया बिकॉज दिस इज़ रियली अ वेरी गुड, जो कि मेरे वैनिटी में बिल्कुल अलग सा और खूबसूरत सा चमक रहा है। एंड इसी का सेम जो है हैंड वॉश, एज सच मतलब मार्केट में जो हैंड वॉश मिलता है, एक किलो की जो बॉटल मिलती है, बड़ी सी बॉटल, एज यू नो आपने काफ़ी बार देखी होगी, तो उसी में से जो हैंड वॉश है हम इसमें रिफिल करते हैं और इसको ये काफ़ी दिन चल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, यूनिक भी लग रहा है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब जो बॉटल आप देख रहे हैं मार्केट में मिल रही है आपने उठा के वो रख दिया। अगर आपको लिटरली अपना वैनिटी खूबसूरत बनाना है तो आप इस टाइप की जो मतलब डेकोरेटिव वाली जो ये हैंड वॉश आते हैं, हैंड वॉश के केस आते हैं, वो आप ले सकते हैं। सो आप इसमें ईजिली हैंड वॉश भर सकते हैं। एज यू कैन सी कि इसमें कितना बड़ा होल है, आप आराम से इसके अंदर हैंड वॉश भर के और इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। सो दैट इज रियली अ वेरी गुड थिंग। ये कांच का है, ये पूरा आप देखें, ये पूरा मिरर वर्क है एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज ये दोनों जो है एक साथ मेरे को मिला था एंड मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा था। सो एंड फॉर डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, यहाँ पर मैंने पूरा डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है एंड एनी द मोस्ट थिंग दिस इज
कैंडल फ्लोरिस से जो मुझे कैंडल मिली थी, थैंक यू वंस अगेन कैंडल फ्लोरिस, दिस इज अ ब्यूटीफुल कैंडल यू गेव मी। एंड ये कैंडल है, इसको मैंने, ओह गॉड, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। एंड आप वॉशरूम में वही चीज रखिए जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और आपको एक गुड वाइब्स आए, और जब आप सुबह उठे या आपको रिलैक्स मूड है, रिलैक्स करना है, तो मतलब ऐसी फ्रेग्रेंस वाली चीजें आपके वॉशरूम में जरूर होनी चाहिए। नॉट ओनली कैंडल, अगर कुछ ना कुछ आपका मतलब और भी चीजें आती है फ्रेग्रेंस की मार्केट में, कैंडल्स आती है और कुछ और भी स्टिक्स आती है एंड काफी सारी चीजें आती है, मेरे पास और भी चीजें हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। एंड उससे क्या होता है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है आपके वॉशरूम में एंड आपको गुड वाइब्स आएगा जब आप वॉशरूम आएंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लिटरली इट्स अ रिलैक्सिंग एरिया, कहते हैं ना रेस्ट रूम मीन्स रेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग एरिया बनाकर रखने में रेस्ट रूम को। सो दिस इज द कैंडल एंड द स्मेल इज वेरी अमेजिंग एंड दिस इज माई लाइव मनी प्लांट। या दिस इज माई लाइव मनी प्लांट एंड आई रियली लव इट। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड ये पूरा आप देख रहे हैं कि वॉच विशन एज सच, यू हैव टू क्लियर योर वॉच विशन, मतलब हफ्ते में एक बार अपने वॉच विशन को जरूर क्लियर रखिए। बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि अगर आपका वॉच विशन गंदा हो रहा है तो आप उसको जरूर क्लियर करिए, बिकॉज दिस इज योर डे टू डे जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आप जब क्लियर दिखेगा तभी आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगेगा एंड आपका मन भी नहीं करेगा कि आई डोंट नो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर। एंड अगर आप नीचे बात करते हैं फ्लोर की, तो मैं आपको फ्लोर दिखाती हूँ। फ्लोर इज कारपेट, यहाँ पर पूरा हर चीज कारपेट से ही होता है और दिस इज परमानेंट कारपेट, एज यू कैन सी कि पूरी ये परमानेंट ही कारपेट है, पूरी परमानेंट इसमें अटैच्ड कारपेट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कारपेट लेकर आए मार्केट से और वो डाल दी। यहाँ के घरों में नॉट ओनली वैनिटी, पूरे घरों में इस टाइप की कारपेट ही बिछाई जाती है और वो पूरी परमानेंट कारपेट होती है। ठीक है, नाउ बात करते हैं मेरे इस कॉर्नर की। हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इधर जो रिमेनिंग रहेगी निविया, नाने के बाद हमें निविया का रिक्वायरमेंट होता है, तो निविया ये ऊपर ही रखी रहती है कि आए और हम इसको लगा लें। सो दिस इज माय निविया क्रीम। सो गाइज, ये तो बात होगी इस जगह की जरूरत की, जो कि हमें सुबह ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। एंड हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलैक्सिंग एरिया के लिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या रिलैक्सिंग है। मैं जस्ट लाइट ऑफ करती हूँ, इसकी भी लाइट ऑफ करती हूँ मैं कैमरे की, एंड आप देख सकते हैं हाउ इज इट लुक, इट लुक्स रियली अमेजिंग। एंड मैं आपको कैंडल भी जलाकर दिखाती हूँ कि कभी रात हो रही है तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। डाउन मैं लाइट ऑफ करती हूँ। नाउ सी दिस, हाउ इज इट लुक, अच्छा लग रहा है ना, इट्स सो रिलैक्सिंग। इतनी प्यारी सी स्मेल भी आएगी आपके वॉशरूम में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये विसल भी चमकते हैं एंड आई रियली लव्ड इट, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं इस टाइप से देखती हूँ कि अपना जो वेनिटी है पूरा वॉशरूम जब मैं देखती हूँ। इधर दिस इज दिस, ये एक पार्ट है एंड एन इधर पार्ट इज दिस, उस पर अभी आते हैं अभी। चलिए, दिस इज डन। नाउ एवरीवन, अब बात करते हैं वैनिटी के दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में आप देख रहे होंगे मेरा जो डेकोरेशन है पूरा मेकअप से रिलेटेड है एंड हियर इज माय यूट्यूब डायरी। इसमें मेरे रोज के कंटेंट और मेरे पूरे टारगेट होते हैं कि, और इसी पे ही मैं लिखती हूँ एंड सच बताऊँ तो मैं यहीं पर आकर अपना जो भी है जितना भी है सब कुछ मैं यहीं पर आकर लिखती हूँ। ऐसा जिसमें वैनिटी टूर था तो मैं इसमें टिक लगा देती हूँ कि हाँ, मेरा वैनिटी टूर वाला जो टारगेट है वो पूरा हो गया है। तो रोज के इसमें कंटेंट होते हैं और उसका इसमें टारगेट होता है, तो दिस इज द डायरी जो कि मैं आपको यहीं पर रखती हूँ ऐसा लाइक दिस कि ये मेरे सामने रहते हैं, दिस इज माय वर्क। एंड बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा पूरा मेकअप स्टेशन है, एज यू नो वेरी वेल कि आई रियली लव मेकअप, तो यहाँ पर मैंने वही सारी चीजें रखी हुई है जो कि मैं डेली यूज करती हूँ, जब मैं अपना वीडियो बनाती हूँ तब और जब मैं बाहर जाती हूँ तब। ऐसा जब मैं घर में होती हूँ तो मैं
मेकअप इतना नहीं करती जितना अभी मैं वीडियो बनाते टाइम करती हूँ, बिकॉज जो मेकअप्स में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर योर बेबीज, तो दैट्स वाई आई रियली डोंट लाइक मेकअप जब मैं घर में होती हूँ तो. एंड गाइस यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से अपनी वैनिटी को सजाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने हर एक चीज रखी हुई है. ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सारी लिपस्टिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है, और पीछे मैंने एक फ्लावर का बेस रखा हुआ है. फ्लावर बेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, एक ये अलग ही लुक देता है मेरे पूरे वैनिटी के डेकोर पर. तो एक यहाँ पर फ्लावर बेस यहाँ पर, और एक फ्लावर बेस एज सच मैंने जो पहले आपको दिखाया था उस कॉर्नर पे. तो इट गिव्स मी अ वेरी गुड वाइब्स, बहुत ही ज्यादा प्यारी वाइब्स देता है. एंड दीज आर दी, आप ये देख रहे हैं ये जो तीन मैंने यहाँ पर रख रखे हैं वेल्स वेस, इसके अंदर मैंने वही चीजें रखी हैं जो चीज मेरे यूज की है. नाउ इस वेस में क्या है, जो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं रबर बैंड्स वगैरह जो लगाती हूँ, तो दीज आर दी रबर बैंड्स. ये मैं कल ही खरीद कर लेकर आई हूँ एंड आई रियली लव इट, मुझे इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी ये रबर बैंड. दीज आर समथिंग यूनिक रबर बैंड्स एंड मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी. एंड ये पूरी सिल्क कपड़े की है एज यू कैन सी. तो दीज आर दी मतलब मेरी रबर बैंड्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ. और इस वाले सेकेंड बेस में आप जो हमारे रोज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक हमें क्लचर चाहिए, कभी मुझे क्लिप्स लगानी होगी, फ्लावर्स है, साइड फ्लावर्स है, एंड दीज आर दी थिंग्स जो कि मैं इसमें रखती हूँ अपनी. और इसके अंदर कुछ इयररिंग्स भी हैं जो मैं रोज पहनती हूँ, जब भी अगर मुझे वीडियोज बनानी होती है या कुछ करना होता है. तो दीज आर दी इयररिंग्स जो एक दो मैंने इसमें रखी है ऊपर. बात करते हैं लास्ट वीक्स की. लास्ट वीक्स में मैंने इसमें भी रबर बैंड्स रखी हुई है एस एच, ये पूरी पर्ल रबर बैंड्स है एंड आई रियली लव दीज रबर बैंड्स. मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये रबर बैंड्स बिकॉज इसमें हर कलर की पर्ल रबर बैंड्स हैं एंड दीज आर समथिंग यूनिक. तो दीज आर दी रबर बैंड्स और इसमें दो क्लचर भी हैं. तो दीज आर दी थिंग्स जो हम रोज यूज करते हैं और हमेशा अंदर के साइड नहीं रख सकते. तो ये सारी चीजें हैं जो ऊपर रखी हैं जिसको हमें इजीली आसानी तरीके से मिल जाए. सो एवरीवन, वैनिटी को डेकोर करते हुए इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपको जो चीज रिक्वायर्ड है, जो चीज लगता है कि आप उसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो उसको अच्छे से रखिए और उसको ऊपर रखिए कि मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप नीचे से निकाल रहे हैं या इधर से निकाल रहे हैं. आप जस्ट उसको ऊपर रखिए और मतलब अच्छे से डेकोरेट करके रखिए, सिंक्रोनाइज करके रखिए कि वो चीज़ इजीली आपको मिल जाए. सो अब बात करते हैं यहाँ पे लिपस्टिक की. एंड आप देखिए ये मेरा जो पूरा मेकअप का है कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से हर एक चीज़ रखी है. मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे क्या चाहिए. यहाँ पर पूरी सेफ्टी पिन है एंड ऑल. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा नेल पेंट रिमूवर है, ठीक है, मेकअप रिमूवर है. एंड दिस इज़ माय परफ्यूम, कि अगर मेरे को परफ्यूम लगाना है तो मैं यहाँ से इजीली परफ्यूम उठा के लगा सकती हूँ. एंड ये पूरा देख रहे हैं आप, पूरा मूवेबल है, ये पूरा रोटेट होता है. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजन. अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग भी ले लीजिएगा इसको अमेजन से. दिस इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग. अगर आपके पास इफ़ यू डोंट हैव सो मच बिग वैनिटी, अगर आपकी छोटी वैनिटी है तो आप जब पर रेडी होते हैं, यू नो वॉट, जो ड्रेसिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल तो इतना इनफ होता ही है कि वहाँ पर हम ये चीज़ें रख पाएँ. बिकॉज इसमें क्या होता है ना, सारी चीज़ें हम अच्छे से कलेक्ट करके रख सकते हैं. लाइक आप ये देखिए कि मैंने किस तरीके से अपनी जो पेंसिल्स हैं, मैंने एक है, दिस इज़ अ कैंडल वेसल, जो बेस है वो पूरा खाली हो गया था, कैंडल्स में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको रीयूज़ किया. एंड इसमें मैंने अपनी जितने भी लिप लाइनर है, जितने भी पेंसिल्स हैं, वो सारी इसमें मैंने रख ली. दिस इज़ माई ऑल मेकअप स्टफ. एंड आप देख सकते हैं कि दूसरा इसी तरीके से था जिसमें मैंने सारे अपने ब्रशेस रखे लिए. एंड दीज आर मेरी डे टू डे डेली लाइफ में ये सारे ब्रशेस मेरे यूज़ होते हैं. सो मैंने इसमें ब्रशेस रख लिया.
सो इसी तरीके से आप चीजों को रीयूज करिए, ये मत सोचिए कि यार वो खत्म हो गया तो आप फेंक दें, नो, रीयूज ईच एंड एवरीथिंग। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगाई रखी हुई है, ऐसा जैसा नहीं है कि मैंने लिपस्टिक उठाई नहीं ली एंड ऐसे ही मैंने किसी में रख दी या कहीं कोई कहीं घूम रही है, नो, पूरा ये जो पूरा लिपस्टिक का पूरा केस है, पूरा जो सेट है अच्छी तरीके से जिस पे मैंने रखा हुआ है, कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज और सारी लिपस्टिक आपके सामने है। जो भी मेरा मन करता है, सपोज मैं सुबह उठती हूँ तो ये वाली जो लिपस्टिक है नहाने के बाद जिसमें जो ज़्यादा दिखती नहीं है, न्यू लिपस्टिक्स हैं मैं वो लगाती हूँ। एंड ऐसे अगर मुझे बाहर जानी होती है तो मैं सच ये लिक्विड लिपस्टिक्स लगाती हूँ, नकादार वाली, इन सब के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, लिपस्टिक स्विचेस के वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि ये लिपस्टिक्स जो है मैंने कहाँ से मंगाई है और आपको किस चीज पे मिलेगी। तो दीज आर दी लिपस्टिक, कितना ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से रखा गया है। एंड बात करते हैं मेरे आई शेडो की, तो आई शेडो आप देखें कि मैंने किस तरीके से कहाँ पर रखा है, जो मेरा पूरा मेकअप का ये रोटेटर है, ये यहाँ पे सारी मेकअप की चीजें रखी हुई है, इसके पीछे मैंने आई शेडो यहाँ पर रखा हुआ है। सो दिस इज माई आई शेडो जिसको मैंने पीछे रखा हुआ है, ऐसा चाहिए, मुझे हाफ दिखाई देता है, हाफ नहीं दिखाई देता है, तो डेट इज रियली अ वेरी गुड थिंग। बहुत ज्यादा कूल भी लगता है ये चीज़ की, मतलब आपका पीछे आई शेडो रखा हुआ है। सो दिस इज माई होल मेकअप एरिया, सो दिस इज माई होल मेकअप एरिया एंड दिस इज माई यूट्यूब डायरी जिसको मैं इस तरीके से रखती हूँ। तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ और अपने वैनिटी में आती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा प्यारा वाइब्स मिलता है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस अगर रात में भी लाइट और कैंडल जला दें तो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड दीज आर दी ड्रॉर्स, और येस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका वैनिटी है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको क्लियर करें। तो वॉट आर द क्लियरेंस अप्लाई, सो वॉट आर द क्लियर अप्लायंसेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इतना बड़ा जो मिरर है, जो इतना बड़ा कांच है दोनों साइड, उसको किस से क्लीन करती हूँ, दिस इज अमोनिया फ्री ग्लास प्लस, और इससे पूरा जो आपका ग्लास है, मिरर है, नॉट ओनली दिस वैनिटी, और अगर आपके कहीं और भी ग्लास और मिरर है तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पूरा क्लियर आउट करने में, कुछ नहीं करना पड़ता है। एज सच मैं आपको बताती हूँ, एज सच मैंने ये नैपकिन लिया एंड मैं इसको जस्ट आई रियली क्लीन इट लाइक दिस एंड ये पूरा देखिए कितना ज़्यादा क्लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो ये जो चीज़ें हैं आपको क्लीन हमेशा करते रहना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। Now it's clean. आपने एक बार चलाया, दो बार चलाया और ये पूरा आपका साफ हो गया। So guys, this is my vanity and do you want to see the drawers also? तो मैं drawers भी आपको दिखा देती हूँ। Drawers ऐसा जितना कुछ खास चीजें नहीं है, drawers में हम वही चीजें रखते हैं जो चीज हमारे मतलब कभी कभार यूज होती है। तो चलिए मैं आपको drawers का भी एक लुक दिखा देती हूँ। फर्श पर आते हैं तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉअर जिसमें मेरे हस्बैंड की ड्रॉअर है ये, एंड उसमें वो अपनी मतलब शेविंग से रिलेटेड चीजें रखते हैं एंड जो भी उनकी चीजें हैं वो इसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं। एंड दिस इज माय सेकंड ड्रॉअर एंड आप देख सकते हैं इसमें पूरा क्लोजअप रखा हुआ है। एंड ये मेरा पूरा ज्वेलरी का पिटारा है जिसमें मेरे इयररिंग्स वगैरह रखे हुए हैं। सच में आपको दिक्कत करनी है, जो इयररिंग्स मुझे यूज करना है वो ऊपर के साइड रखे हुए हैं, सो आई कैन यूज इट फ्रॉम हेयर। एंड ऑल्सो इसमें जो मुझे कैस्मो यूएसए एंड कैस्मो ईसी से जो मुझे मिला था ज्वेलरी, इसमें वो है मेरी ज्वेलरी। एस एच एस का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने केज में ये अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। एंड दिस इज़ अ ज्वेलरी ऑल्सो जो कि मुझे यूज़ करनी है, जैसे पांडा से जो मुझे ज्वेलरी मिली थी इसमें वो रखी है। एंड दीज आर माई स्कार्फ, कितने अच्छे से मैंने देखिए मतलब पूरा तय करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने स्कार्फ यूज़ करा और आप इसमें डाल देंगे, तो इसमें वही चीज़ें हैं जो हमें कभी कभार यूज़ करनी है। एंड ये भी पूरा ड्रॉअर से आप ओपन करके ईजिली निकाल सकते हैं।
नाउ बात करते हैं थर्ड ड्रॉर की. थर्ड ड्रॉर में देखें नॉर्मल चीज़ें जो मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ऐसे आप देख सकते हैं. ओ गॉड, ये तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं करा. इसमें आई लेशेज़ हैं एंड जो नेल पेंट, जो नेल्स को सजाने की चीज़ें होती हैं, नेल आर्ट वाली चीज़ें होती हैं, ये सब वो रखा हुआ है. स्पॉन्ज रखा हुआ है एंड आई रियली नेवर यूज़ इट. और ये मेरा जब मैं रनिंग करती थी तो जो रनिंग की बेल्ट होती थी जिसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं और बॉटल वगैरह रख सकते हैं, तो ये सब रखा हुआ है. इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता. तो दिस इज़ माय थर्ड ड्रॉर. एंड बात करते हैं, ये है, यस दिस इज़ नाइट लैम्प जो हम लोग नाइट में जला कर रखते हैं. एंड हमारा जो वॉशरूम है जिसमें थोड़ी सी रोशनी होती है, तो दिस इज़ माय नाइट लैम्प. और बाकी दिस इज़ लाइटर, अगर हमें कैंडल जलानी होती है तो दिस इज़ लाइटर. एंड दिस इज़ द नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो मतलब जैसे आपको पता है ये नेल कटर है एंड दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग. और ये मेकअप रिमूवल है. जब भी मैं आती हूँ मेकअप, ये ड्रॉर खोलती हूँ पहला वाला और इसमें से मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ. सो दिस इज़ माई मेकअप रिमूवल थिंग एंड दीज आर दी नॉर्मल थिंग्स. ये मेरा पूरा पिटारा, जब भी मेरे को ज्वेलरीज निकालनी होती है तो मैं इसी में से निकालती हूँ. एंड आते हैं थर्ड ड्रॉर पर, पूरी लास्ट ड्रॉर पर. इसमें पूरे क्लीनिंग अप्लायंसेस हैं, क्लीनिंग सप्लाईज हैं, जो भी आप क्लीन करते हैं वो सारी सप्लाईज इसमें रहती हैं. तो दिस इज़ द थिंग. पूरा अच्छे से इसको रखा हुआ है. सोटे का लुक फॉर दिस साइड. आई रियली गेट अ गुड वाइब्स फ्रॉम माई वेनिटी. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. दूसरी वेनिटी का मैं वीडियो बनाऊँगी किसी दिन. दिस इज़ माई मेन वेनिटी जो मेरे रूम से अटैच्ड है. सो गाइज, दिस इज माई वेनिटी टूर. एस एच मैंने आपको पूरा एलोब्रेट और पूरा डिटेल में दिखाया कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए. बिकॉज दिस इज योर वेनिटी एंड इसमें जो भी गुड वाइब्स और जो भी रिलैक्सिंग करना है वो आप ही लोगों को करना है. सो मेक योर वेनिटी गुड एंड ब्यूटिफुल. तो जो भी और भी लोग आए, जैसे आपके रिलेटिव भी आए, तो उन लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे यार. मतलब जैसे एंटर करते ना कि वाह, अरे वाह, दैट्स अ रियली वेरी अमेजिंग थिंग. आप लोगों को खुद भी अच्छा लगेगा एंड जो आपकी गेस्ट आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा. तो आप लोग भी अपनी वेनिटी इसी तरीके से डेकोरेट करिए और भी अच्छी तरीके से डेकोरेट करिए एंड लिटरली आपको खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो गाइज, मैं आपको एक और एक लुक दिखाती हूँ जो वेनिटी से अटैच्ड है. मेरा वॉशरूम एज सच मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. काफ़ी ज़्यादा कूल है. This is my washroom, as you can see. And ये पूरा bathtub है इसके पीछे जो आप पर्दा देख रहे हैं. This is my whole washroom and it's very clear. And इसके पीछे पूरा bathtub है and I really love it. पूरा वाइट वाइट वॉशरूम है, वाइट वाइट बाथटब है एंड बहुत ही ज़्यादा कूल है. एंड यू हैव टू क्लीन इट. हफ्ते में एक बार आप इसे ज़रूर क्लियर करिए. लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग मूड में आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड होता है एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज इतनी ज़्यादा प्यारी सी. हाँ, मैं आप लोगों को फ्रेग्रेंस की बात कर रही थी, तो फ्रेग्रेंस के लिए ये देखिए, ये पूरा फ्रेग्रेंस के लिए होता है. इसे एयरविक कहते हैं एंड जो एयरविक है ये भी मार्केट में या ऑनलाइन आपको मिल सकता है इजीली. ऐसे इसमें ऐसे एयर निकलती है. दिस इज़ अ लिक्विड, या दिस इज़ अ लिक्विड एज सच आप देख सकते हैं. जैस्मिन फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू है एंड इसको इस तरीके से लगाया जाता है और ये लग गया है एंड इसको इसमें जस्ट रोटेट कर देंगे. और यहाँ पर ऑन और ऑफ का बटन होता है. इसमें बहुत प्यारी सी स्मेल आती है, ये आप देख रहे हैं एंड इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं. जैस्मिन फ्लेवर्स आते हैं और भी काफ़ी सारे फ्लावर्स के हैं वो फ्लेवर्स आते हैं. तो दिस इज एनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दी फ्रेग्रेंस. एंड एनदर थिंग फॉर दी फ्रेग्रेंस इज दिस ओडोनिल. भाई ओडोनिल तो बेस्ट है बिकॉज ओडोनिल जो है वॉशरूम में ज़रूर होना चाहिए. ऐसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस आपके
फ्रेश करते हैं एयर फ्रेशनर. एंड इफ यू हैव अ बेबी, आई हैव अ बेबी, तो व्हाट आई हैव इज दिस बेबी डस्टबिन एंड दिस इज कॉल्ड बेबी डायपर डस्टबिन. एज सच आई विल शो यू हियर. दिस इज कॉल्ड बेबी डाइपर डस्टबिन. इसमें क्या होता है, पूरा जो बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर आप जो भी डाइपर फेंक रहे हैं वो पूरा लॉक कर देता है. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपके घर में बेबी है तो आप इस चीज़, इस प्रोडक्ट को ज़रूर लीजिएगा, बेबी डस्टबिन को ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. आपके जो भी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आएगी अगर इफ़ यू हैव अ बेबी डाइपर डस्टबिन. So that's all for today and I hope you will like my video. If you like my video then give a big thumbs up and subscribe to my channel and you'll get the notification of my next video. Bahut jaldi main aapko next video lekar aaungi. Have a good day. Bye bye.